मंडला जिले के नैनपुर में राहगीरों से मारपीट का मामला सामने आया है। बताया गया कि बमहनी जहरमाऊ रोड पर चार बदमाशों ने लूट की नीयत से महिलाओं और बच्चों को रोक लिया, कुछ नहीं मिला तो लाठी डंडों से पीट दिया। हालांकि ग्रामीणों ने दो बदमाशों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है, वही दो बदमाश मौके से फरार हो गए। पेट्रोल पंप के और कॉम्प्लेक्स के बीच में दो लड़के मिले, वहाँ से क्या बोलते हैं वो लोग पीए में भी थे, तो हम लोगों को चेक कराए थे, वहाँ को छेड़ रहे थे, तो वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग गाड़ी संभाल लिए, तो हम लोगों को वहीं पे गिरा देते और क्या करते वो हमको भी नहीं पता। तो वहाँ से क्या बोलते हैं हमको पीछे से जैसे ही गए साहब उधर से, तो हम लोगों को पीछे से एक लकड़ी भी मारे हैं, तो बहुत जोर से मतलब लग भी गया था हाथ में, बहुत जोर से मारे थे। हम लोगों के यहाँ से बमनी से भी बहुत बच्चे लोग भी आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, बच्चियां आती हैं, तो ऐसा करेंगे तो कैसे आएंगे, आप ही लोग बताइए। वापसी हो रहे थे महीप के साथ में दोनों, महीप बाइक चला रहा था और मैं पीछे बैठा था, तो एकदम से ये बीच में खड़े थे और लठिया रखा था हाथ में और हमको मारने के लिए हमारे पास गाड़ी के पास पास आ रहा था, और जैसे हम उसको पहचाने कोशिश करे तो पहचान लिए उसको कि सिब्बू यादव करके है करके ये लड़का, हम उसको बोले भी कि सिब्बू सिब्बू करके, और हमको लठिया घुमा दिया उसने महीप के ऊपर। इसके बाद उसको हम गाड़ी खड़ी करे और तब वो फरार हो गया हमारे पास से, पकड़ने की कोशिश करे और भी जहरमों के आए थे दो चार लोग, तो वो भी गए उसके पीछे देखने के लिए, वो भगा था। तो लगभग 9:30 बजे की बात है, हरिराम चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ मोटरसाइकिल से देवगांव से जहरमऊ अपने घर तरफ जा रहा था, तो जैसे ये पेट्रोल पंप के नजदीक पहुंचा था वहां पर कुछ लोग शिवम यादव और कुमरे जो निवासी बमनी है उन लोगों के द्वारा आने जाने वाले लोगों के साथ मारपीट की जा रही थी, तो इसको भी रोक कर इनके साथ मारपीट की गई, तो आवाज सुनकर गांव वाले आ गए जिससे ये लोग गिरते पड़ते भाग गए। इनमें दो लोगों के ऊपर नामजद मुकदमा कायम किया गया है, अन्य दो अज्ञात हैं जिनकी तलाश की जा रही है, विधि अनुसार कार्रवाई की जा रही है।